बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अहमद डेली कुकिंग। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दाल चावल। चावल तो मैं नहीं दिखाऊंगा, आप महंगे गोश्त यकीन करें जो भी आप खाते हैं ना, महंगी चीज़ें सब भूल जाएंगे। ये दाल अगर आप एक बार बना कर मेरे तरीके से बना के बहन भाइयों को खिलाएँगे, इंशाल्लाह बार बार फरमाइश आएगी। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये मैं बनाऊंगा दाल मूंगी कद्दू और दाल मसूर लाल वाली। ये तीन चीज़ों से मैं तैयार करूंगा, खाने में इतनी लाजवाब होगी, टेस्टी होगी, यकीन कर। चावलों के अलावा आप चमचों के साथ भी उंगलियां चाटेंगे, यकीन कर, अल्लाह के हुक्म से मेरा ये वादा है आपसे, अगर मेरे तरीके से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। कल आपने इसको ज़रूर, हमारे घर में तो जुमे वाले दिन दाल चावल बनाते हैं, आपका पता नहीं। सबसे पहला काम आपने मूंगी दाल मसूर को जितनी आपको चाहिए आपने भगो देनी है अच्छे से। ठीक है, कम से कम इसको आधा पौना घंटा इसको भगोने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कद्दू ले लेना है। एक कद्दू ले लें, गोल वाला ले लें, दूसरे वाला ले लें, जो भी आप पसंद करते हैं ना वो आपने कद्दू ले लेना है। ठीक है, एक कद्दू। सबसे पहले मैं इसमें मिसालें जो जाएंगे वो आपको बता, इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर स्किप नहीं करनी, ऐड करनी है, वो है चिकन कूप की टिक्की या चिकन पाउडर। कोई भी आपके घर में मौजूद है देख सकते हैं, मैंने दाल चढ़ा दी है। इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, उसके बाद हल्दी, नमक, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद देख सकते हैं मैंने एक लंबे वाला कद्दू लिया है। ठीक है, इसके छोटे छोटे कूब शक्ल में काट के जैसे दाल को बैल आएगा हम डाल देंगे। हमारी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है, अभी इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के में आपने कड़ी पत्ता डालना है, पंजाब में तो कड़ी पत्ता के पास सुर्ख मिर्च डालनी है। सुर्ख मिर्च के बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, डाल के इसके ऊपर आपने तड़का लगा देना है। उसके बाद अपने दाल चावलों के साथ ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। बहुत ईजी शॉर्ट तरीके से रेसिपी बता रहा हूँ, दाल तो आप बनाते ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी पसंद आई, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर।